पूर्वांचल बैंक में नियुक्ति दैनिक कर्मचारियों को काम से ना निकालकर उन्हें लेबर एक्ट के अनुसार मजदूरी दिए जाने सहित कुल 9 सूत्रीय मांग को लेकर पूर्वांचल बैंक एम्प्लाइज एसोसिएशन के सदस्यों ने शनिवार को तारामंडल स्थित पूर्वांचल बैंक परिसर में धरना दिया। धरने के दौरान बैंक कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की। धरना को संबोधित करते हुए एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बैंक कर्मचारियों को विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की और मांग पूरा न होने पर आगामी आंदोलन की रणनीति बनाई। एसोसिएशन के सदस्यों ने धरने के माध्यम से कुल 9 सूत्रीय मांग की। इस मौके पर एसोसिएशन के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह, महामंत्री राहुल प्रताप सिंह, कोषाध्यक्ष पवन कुमार त्रिपाठी सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह ने कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। यहाँ पे 8 सूत्रीय कार्यक्रम को लेके आज धरना किए हैं। पिछली हमने इनको पत्र दिया था एक, जिसका समाधान इनको हमने बोला था 1 सप्ताह में करिए, लेकिन प्रबंधन के द्वारा नहीं किया गया, अध्यक्ष महोदय के द्वारा नहीं किया गया। तो उस परिपेक्ष में मेन हमारी जो मांगे थी वो कर्मचारी संबंधित सारी मांगे थी, और जिनका वो निवारण आसानी से कर सकते थे, लेकिन किसी न किसी दबाव में उन्होंने ये कार्य नहीं किया, जिनमें हमारे दैनिक मजदूर थे जो 200-2500 वर्ष से हमारे बैंक में कार्यरत हैं, उनके लिए एक सर्कुलर संख्या 42 जारी की गई, जिस सर्कुलर के वजह से वो सारे बेरोजगार हो जाएंगे, सारे लोग बैंक से बाहर निकाल दिए जाएंगे। तो पहली मांग है कि उसको निरस्त किया जाए और उन सभी कर्मचारियों को वापस लिया जाए। दूसरी मांग थी, हमारी स्ट्रक्चरल मीटिंग हुई थी, द्विपक्षीय वार्ता हुई थी, उसमें मिनट्स में इन्होंने बोला था कि अवमोचक की व्यवस्था मैपिंग के द्वारा अधिकारियों के साथ कर दी जाएंगी, जो आज तक पिछले 1 वर्ष से लंबित हैं उसको नहीं किया गया है। ये संघर्ष आगे भी जारी रखना है। अगर आज ये धरने के बाद भी नहीं मानते हैं तो 23 जुलाई को हम हड़ताल पे जाएंगे, उसके बाद भी नहीं मानते हैं तो फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी बैंक में। धन्यवाद।